हाय गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? हाय गुड मॉर्निंग, हाउ इट इज गोइंग? इट्स गोइंग गुड। एंड सफरनामा के साथ कैसा रह रहा है आपका? बहुत अच्छा। रूम वाज गुड, सो वार्म। अच्छा, सो कोजी। तुम्हारा कैसा रहा? सो पारुल एंड फैजान स्टार गेजिंग लास्ट नाइट यहाँ पे पूरे स्टार से कल। एंड यू नो कल यहाँ पे एक मार्स दिख रहा था बिल्कुल येलो कलर का चमकता हुआ इन पहाड़ों में, मतलब यू नो मतलब आई मीन आसमान में। तो एवरीबॉडी वॉज देयर एट द हेलीकॉप्टर सेंटर, हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है। एंड एवरीबॉडी वॉज देयर एंड आई वेंट देयर एंड आई वॉज सीइंग ऑल द मिल्की वे गैलेक्सी ऑल ओवर देयर। Tabo, the staff was amazing and हम निकल रहे हैं हम आगे की तरफ फटाफट से। देखो नमन मेरा बैग रख पा रहा है फिलहाल, ये मेरा बैग है। सो आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ मोनेस्ट्री, आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता तो मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल हम चलते हैं आगे की तरफ। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स द मोनेस्ट्री एंड ऑब्वियसली मुझे ये नहीं था कि हमारे उसमें भी ये है, मतलब आई मीन हमारे आइटनरी में। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस मोनेस्ट्री और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ की स्टोरी तो है कुछ, ये मोनेस्ट्रीज है, कितने साल पुरानी है ये? मोर देन 1000, मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। 6 में एस्टैब्लिश थी ये, 993 एडी की मोनेस्ट्री, 996 ओके एडी की मोनेस्ट्री है ये। सो आई थिंक ये लग भी बहुत पुराना रहा है, पीछे बना हुआ एरिया यही मोनेस्ट्री है। अच्छा यही मोनेस्ट्री है, माय गॉड। सो गाइस हम 996 ईयर ओल्ड मोनेस्ट्री पर हैं इस वक्त। हाँ एंड दिस लुक अमेजिंग, मतलब ये नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। और अगर अभी तक आप टाबो नहीं आए तो यू कैन कम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर टाबो राइट नाउ। आई नो बहुत ठंड है बट दिस इज़ समथिंग गोना टेक योर ब्रेथ अवे। टाबो द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमालयाज, आपने सही सुना। और जो मेरे सामने दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये केव्स हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे मॉन्क जाके मेडिटेशन करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एंटर करते हैं किसी में पुराने मुगले आजम की मूवी भी एंटर कर रही हूँ। आई डोंट थिंक सो, मुगले आजम इज़ अ वेरी काइंड ऑफ अदर वर्ल्ड बट आई एम एंटरिंग समवेयर वेरी एंशियंट टाइम, ब्लैक एंड वाइट ज़माना फील हो रहा है मुझे फिलहाल, मुझे सच में ब्लैक एंड वाइट ज़माना फील हो रहा है। चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप जैसे जैसे अंदर जाओगे ना ये प्लेस आपको और अट्रैक्ट करती है, आपकी जगह इतनी अट्रैक्टिव लगती है आपको, मतलब इस जगह के बारे में जानने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, बिकॉज एवरीथिंग वॉज रिटन ऑन, मतलब अगर आप कहीं भी एंटर कर रहे हो तो थोड़े थोड़े एनग्रेव्ड है वहाँ पे कि कौन सी जगह आप एंटर कर रहे हो। यहाँ पे भी हमारे जो मैत्री हैं उनकी स्टोरी है। सो गाइस ये जो आपको बिल्कुल दिख रही है ना, ये टाबो केव्स हैं जो कि मतलब 1996 अगेन एडी की कहलाती हैं। शॉकिंग ना, मतलब उस टाइम से अब तक। एंड इट्स काइंड ऑफ, अगर मैं इसको टच करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ये सारा मड ही है। बाकी आप बताओ अगर आप यहाँ आ चुके हो तो व्हाट इट फील्स लाइक टू बी इन दिस प्लेस। सो गाइस हम पहुँचते हुए टैक्सी, क्या फीलिंग आती है यहाँ पहाड़ों के किनारे पे खड़े होके। मैं आप अंटे ना साहब यहाँ आओ ना ना, मैं तो आपको बातों से कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि यहाँ पे फीलिंग क्या है। इस वक्त हाथ फ्रीज हो रहे हैं, यहाँ इतनी ठंड है।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं धांकर मोनेस्ट्री में और अंदर एंटर करते हैं। सो गाइस ये सारी ब्यूटी टैक्सी विलेज और इस मोनेस्ट्री की है जिसमें हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। शूज देखते हैं उतारने हैं नहीं उतारने, आगे चलते हैं। सो गाइस अंदर जाने की 25 रुपए की एंट्री टिकट है। सो अंदर कैसा था यार? बहुत अच्छा। एंड हाउ इज योर सफर विद? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वर्ड्स नहीं, इतना अच्छा लग रहा है। कितने पैसा हो गया? समोसा एक, फुल मोमोज एक, हाफ मोमोज, दो चाय। सो गाइस ये व्यू भी मेरे पीछे है जो कि बहुत मेस्मराइजिंग है कि पूरा स्पीति वैली है जो नदी को कहा जाता है वो स्पीति वैली है, अगर आपको दिख रही होगी तो। उसके अलावा मैंने आज जो 5000 साल बाद अवतार आने वाले हैं बुद्धास में जो काउंट होते हैं, जो गौतम बुद्धा के एक्चुअली में 5000 साल बाद अवतार आने वाले हैं मैत्रेय, तो उनकी इमेजिनरी जो मूर्ति कहूँ महिमा कहूँ वो देखी। देन उसके बाद ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ नहीं हैं एग्जैक्टली, बड़े कहीं की सीढ़ियाँ हैं, एक्चुअली व्यू की सीढ़ियाँ हैं। और अभी कहते हैं कि गौतम बुद्धा को गए हुए एक्चुअली में 2500 साल हो चुके हैं। ऊपर खड़े होकर ना इस जगह से और संगम देखना रिवर का एक अलग ही मजा है, और ऊपर से स्नोफॉल हो रही है और ऊपर से हम -degree के टेम्परेचर में खड़े हो। स्पीति वैली इतनी खूबसूरत है ना कि दूर दूर तक नजर जाए ना तब भी हमारी आंखें ना हटे, है ना? कुछ ऐसे ही नज़ारा है ना ये। सो गाइस हम रुके हैं फ्रोजन लेक के पास, एंड दिस इज एक्चुअली पूरा फ्रोजन नहीं है, ये सेमी फ्रोजन है। हम यहाँ वीडियोस यूज लेने आए थे, ये रास्ते में पड़ रही है हम लोग के स्पीति के, आई एम नॉट श्योर इसका नाम क्या है, अगर इफ आई इनकेस मुझे पता लगता है तो मैं नीचे मेंशन करती हूँ। आई गेस स्पीति वैली ही जा रही है अगर मैं गलत ना हूँ। अली तुम्हें क्या लगता है इसका नाम क्या है? आई थिंक दिस इज स्पीति रिवर, है ना? स्पीति वैली वाली रिवर है ना? या सो लोग हम नीचे नहीं गए, आई वॉज वेरी स्केयर्ड, मुझे गिरना नहीं था। बहुत लोग नीचे जाके कुछ उस तरीके से फोटोज खिंचवा रहे हैं और मुझे बुखार भी नहीं चाहिए क्योंकि दिस अगर आप स्नो पे बैठते हो तो एक चीज़ याद रखो, आपको बहुत गंदी ठंड लग सकती है बॉडी के अंदर तक। सो वी जस्ट चेक इन लीजा लोन ओल्डिंग, सामान पूरा बिखरा हुआ है अभी एक ही रूम में, जिस बिकॉज अभी सब आ रहे हैं, सब गए हुए हैं, एंड जैसे ही सब आ जाते हैं तो रमन का सामान भी मेरे पास है, अभी वो अपना रूम देखने गया हुआ है। एज यूजुअल कल मिलते हैं, आई होप कल यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलेगा बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज हो रहा है और धीरे धीरे स्नो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कल शायद ट्री में स्नोफॉल मिले। See you tomorrow with the next vlog. Hope you like the places and do comment. Bye-bye.